आज थोड़ा सा फिलॉसफी और एग्ज़ाम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम फिलॉसफी से जोड़ते हुए और हम लोग पॉलिटी से भी लेके आएंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक भी जाने की कोशिश करेंगे। आज की बात आप लोगों के साथ जो हमारी चल रही है, 3 दिन से हम लोग लगभग इन चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम के प्रति और क्यों होना चाहिए ये सब चीज़ें। देखिए, हम लोग आज इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन शास्त्र की बात भी करेंगे और साथ ही मैं आपको अध्यात्म से जोड़ते हुए भी इस बात को बताने की कोशिश करूंगा। आपने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू की है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में दो शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग में आते हैं। एक है सत्याग्रह और दूसरा है स्वराज। सत्याग्रह और स्वराज, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, और अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो राम राज्य जब हम बात करते हैं तो दो तरह के चेहरे हमारे सामने आते हैं। एक स्वयं भगवान श्री राम हैं और दूसरे हैं गांधी, जो बोलते थे कि भारत में राम राज्य लाना होगा। इस राम राज्य से स्वराज्य तक, और बाल गंगाधर तिलक की जो शपथ थी वो थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। स्वराज को इंग्लिश में होम रूल भी बोल सकते हैं, घर का शासन, हमारा शासन। तो ये जो घर का शासन है, ये राम राज्य तक कैसे पहुंचे और राम राज्य जो है वो स्वराज में कैसे बदले, और उसके लिए जो टूल हैं वो हैं सत्य और अहिंसा। गांधी के दो टूल हैं जिनको हम सत्य और अहिंसा कहते हैं। उस सत्य के प्रति बहुत तीव्र आग्रह सत्याग्रह है। और एक और शब्द मुंडकोपनिषद से निकल करके आता है, सत्यमेव जयते, बहुत बड़ा श्लोक है, उसका एक हिस्सा है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्य क्या है? तो आज हम तमाम जो दर्शन हमने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ा है, उससे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो बेस यहां से शुरू करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक शब्द आता है धर्म के साथ में, अध्यात्म। अध्यात्म के लिए अगर आप उसका संधि विच्छेद करेंगे अध्यात्म का, तो अध्यात्म अधि धन आत्मा, आत्मा आत्मा के ऊपर शासन। अधि मतलब एक तरह का रूल, शासन, आत्मा के ऊपर शासन करना, यानी खुद पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना। इसलिए गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते थे, तो वो बोलते थे कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। सत्यवादी हरिश्चंद्र, उन्होंने नाटक देखा था, इसलिए वो हमेशा सत्य के पीछे पड़े रहे। पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में आप देखोगे वो हमेशा सत्य की बात करते थे और सत्य में ही जीने का प्रयास करते थे। तो सत्य की बात करना, सत्य पे टिके रहना और सत्य के प्रति आग्रह के लिए मर तक जाना, मरने की हद तक जाना, ये गांधी था, अगर आप गांधी को समझना चाहते हैं। और अध्यात्म क्या कहता है? अधिधन आत्मा, आत्मा के ऊपर शासन, आत्मा के ऊपर कंट्रोल, हमारे ऊपर अनुशासन, खुद के ऊपर अनुशासन।
डिसिप्लिन ऑन सेल्फ, हमारे खुद आत्मानुशासन, एक और शब्द इसके लिए यूज किया जाता है आत्मानुशासन। और जब हम जैन धर्म में जाते हैं तो वहां जिनेन्द्रिय, जिनेन्द्र जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, जिसने खुद पे विजय प्राप्त कर ली है, वो जिनेन्द्रिय है। तो खुद पे विजय प्राप्त कर लेना जिनेन्द्र हो जाना, इसीलिए वो जिन कहलाए और जिन से ही जैन बना था। तो ये जो जिनेन्द्रिय वाली स्थिति है, जितेंद्रिय वाली स्थिति है, जिसमें इंद्रियों को जीतने की बात है, खुद के ऊपर अनुशासन करने की बात है, तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या यहां है कि हम बहुत सारे फूल्स में चले जाते हैं। हमने हमारे आसपास खुद के ऊपर अनुशासन करने के बजाय, खुद को जीतने के बजाय, अध्यात्म को अपनाने के बजाय, धर्म अलग चीज है, अध्यात्म अलग चीज है। धर्म हार्डवेयर है, अध्यात्म एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और अध्यात्म का मतलब था खुद के ऊपर कंट्रोल करना। तो ये खुद कौन है? तो इसको भी जो है धर्म में कई जगह या दर्शन में मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जितना जितना डिवीजन होता जाता है और जितने जितने डायमेंशन बढ़ते जाते हैं, जितने जितने फोर्स बढ़ते जाते हैं, उतनी उतनी कंफ्यूजन और उतना भ्रम जो है, डायलेमा बढ़ता जाता है। और ये डायलेमा हमको परेशान करता है। इसी की वजह से गवर्नेंस की और पॉलिटी की जो डेविएशन है मूल उद्देश्य की तरफ से, वो भटक जाती है। जब आत्मा की बात होती तो आत्मा तो पुरुष और महिला नहीं होती, आत्मा में तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग नहीं होता, उच्च जाति, मध्यम जाति या निम्न जाति इस तरह से नहीं होता। उसमें तो भाषा का फेर नहीं होता, उसमें तो ये नहीं होता कि तुम मुसलमान हो, तुम नॉन वाइट हो, ये वाइट है, ये गोरा है, ये काला है, इस तरह की चीजें नहीं होती। दरअसल राम राज्य लाना, स्वराज्य लाना और अध्यात्म, ये तीनों एक ही चीज है। राम राज्य के अंदर तीन शर्तें थी, कष्ट नहीं होंगे, दुख नहीं होंगे और कोई परेशान नहीं होगा और झूठ नहीं बोलेगा और सबको न्याय मिलेगा, इस तरह की चीजें थी। दरअसल राम राज्य वाकई में स्वराज्य है, ऑटोनॉमी है, उसमें स्वतंत्रता है। अब हम स्वतंत्र किससे होना चाहते हैं? जो स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई है, वहां उस समय हमारे सामने दुश्मन मौजूद था। अभी हमको अपने ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों से मुक्त होना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है, इनसे मुक्त होने की बात स्वतंत्रता है। तो हमने एक तरह से आत्मा को स्वतंत्र कर लिया, शरीर को स्वतंत्र कर लिया, यदि आप रोगों से दूर हो गए, आपने देश को स्वतंत्र कर लिया, अगर आपने विदेशियों को भगा दिया। अब हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस समय में एक चीज बोली है, हम भारत के लोग, हम लोग और स्वतंत्र हैं। और एक और चीज है, आपने शब्द यूज किया होगा लास्ट में, आत्मार्पित करते हैं, एक और शब्द यूज किया होगा, आप लिखते होंगे ना, देखा भी होगा, पढ़ा होगा, आपने लिखा होगा, आत्मार्पित करते हैं। यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा सेल्फ डिसिप्लिन है। देखा जाए तो ये अध्यात्म है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अध्यात्म है, क्योंकि वो अधिधन आत्म है। यानी आत्मा के ऊपर हमने उसको आरोपित किया है, यानी कि आत्मार्पित किया है, आत्म को अर्पित किया है, हमने खुद को ही खुद से अर्पित किया है। तो जब आप खुद से खुद को अर्पित करते हैं,
तो ये जितने भी नियम कानून हैं इसके तहत तो फिर भेदभाव मिट जाने चाहिए, तो उन्हीं को मिटाने की बात की गई है, उन्हीं भेदभावों को मिटाने की बात की गई है। इसलिए आपका पेपर जो है काफी हद तक उस तरफ झुकाव रखता है। देखिए, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है, इस देश की धरोहर है, ये हमारी विरासत है, इसलिए इससे हम अलग नहीं जा सकते, चाहे राम हो, चाहे ये देश हो, चाहे गांधी हो। इसलिए गांधी की जो समाधि है उन पे ये राम लिखा हुआ है, और अंतिम शब्द उनके मुंह से निकले थे राम, और वो जीवन उनकी जो पहली पुस्तक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज रामायण नहीं है, राम कथा नहीं लिखी, राम कथा का कोई उन्होंने टीका नहीं लिखी, वो चाहते तो टीका लिख सकते थे रामायण के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर, उन्होंने कोई टीका नहीं लिखी, उन्होंने लिखा है हिंद स्वराज। और बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए आप देखोगे कि कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है वो राम के साथ जुड़ी हुई है, और राम कल्याणकारी राज्य के संस्थापक हैं, वेलफेयर स्टेट के संस्थापक हैं। तो राम वेलफेयरिस्टिक स्टेट के संस्थापक कैसे हुए? क्योंकि आप जब स्वराज शब्द में बोल रहे हैं ना कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो जैसे ही आपका जन्म हुआ कि आपने अधिकार सिद्ध कर लिया, किसके ऊपर? स्वराज के ऊपर, कि मेरा ही मेरे ऊपर राज रहेगा, सेल्फ गवर्नेंस होगी, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, होम रूल होगा, ये आपका जन्म से ही सिद्ध हो जाता है, तो फिर दूसरा नहीं करेगा। हाँ, दूसरा नहीं करेगा। तो जब आपकी शरीर मन बुद्धि आत्मा, यानी खास करके आत्मा पर जब आप शासन कर लेते हैं, किसी फोल्ड्स को नहीं रखते हैं, किसी विभाजन को नहीं रखते, बहुत सारी दूरियों को नहीं रखते, तब ऐसे समय में जितने भी भेदभाव हैं जो लिखे हुए हैं समानता का अधिकार में, राइट टू इक्वालिटी में जो लिखा हुआ है कि लिंग, जाति, भेद, भाषा, धर्म, जन्म स्थान, तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे, राज्य भी नहीं करेगा। और जब मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है तो उसके साथ कुछ रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी अपने आप निर्बंधन उस पर लग जाते हैं, हमारे कर्तव्य भी कुछ हो जाते हैं। तो जब हम पॉलिटी अभी शुरू करेंगे और पॉलिटी की बात करेंगे, तब आप देखना कि पॉलिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कर्तव्यों से और अधिकारों से जुड़ी हुई है, और इन दोनों के अंतर संबंधों पे जुड़ी हुई है, और इन अंतर संबंधों को समझते समझते आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा पे शासन करने की बात करने लगते हैं। अब दूसरों पे शासन करने के बजाय खुद पे शासन करना, तो महावीर ने, वर्धमान महावीर जो उनका एक नाम निगंठ नाथ पुत्र, निगंठ नाथ पुत्र, निर्ग्रंथ, यानी किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं रखना। निगंठ नाथ पुत्र का जो आप जब बौद्ध साहित्य में, पाली भाषा में जब हम महावीर को जानते हैं, तो पाली भाषा में जो बौद्ध साहित्य है वो महावीर को निगंठ बोलता है, निगंठ नाथ पुत्र। तो हिंदी में अगर उसका, पाली भाषा का अगर आप हिंदी में ट्रांसलेशन करें, तो ये हिंदी ट्रांसलेशन उसका होगा निर्ग्रंथ, यानी कि किसी प्रकार की ग्रंथियां मन में नहीं रखना। तो कितने प्रकार की ग्रंथियां? ये जो फोल्ड्स हैं, ये ग्रंथियां हैं, ये हमने रखी हुई है मन में, भेदभाव के रूप में रखी हुई है, हम भेदभाव जो करते हैं ये ग्रंथियां हैं, और ये ग्रंथियां किस रूप में बाहर आती हैं? अत्याचार के रूप में आती हैं। जब हम जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं, जब हम लिंग के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव करते हैं, जब हम भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो आपको मैं जो रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो गरीब की तरफ से जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंचित लोगों की तरफ से जाएंगे, दलितों की तरफ से जाएंगे, महिलाओं की तरफ से जाएंगे, विकलांगों की तरफ से जाएंगे। और यही जो है, इसमें चाहे आप सोशलिज्म, सोशल
समाजवादी कंसेप्ट की बात कर लें या हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर लें या हम सोशल जो है वो हम समावेशी विकास की बात कर लें, डिवोल्यूशन की बात कर लें, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर लें। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात क्यों करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्यों करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात क्यों करते हैं कि हर आदमी का बैंक में खाता होना चाहिए, जनधन खाता होना चाहिए, हर आदमी को फाइनेंस से जोड़ना, सबका साथ सबका विकास, यही शब्द है समावेशी विकास, यानी सबका विकास होगा, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा, एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। एक्सक्लूसिव ग्रोथ किसकी हो जाती है, लेकिन क्या एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो रही है या इंक्लूसिव हो रही है, उल्टा हो रहा है ना, एक्सक्लूसिव हो रही है, केवल अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, यानी ये तो एक्सक्लूसिव ग्रोथ हुई, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब राम राज्य जब आएगा और स्वराज्य जब आएगा, अच्छा राम को जोड़ा था तो उसके साथ आपने देखा होगा कि अवध में आनंद भयो, या ऐसे जो भजन है जितने भी कि सब लोग प्रसन्न रहते थे, यहां तक कि बोलने का अधिकार था, प्रश्न पूछने का अधिकार था, इसके ऊपर राम के ऊपर आरोप भी लगता है कि आपने लोगों के कहने में आकर के अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया, उसकी अग्नि परीक्षा ली, तो लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, भगवान के सामने प्रश्न पूछने का अधिकार था। तो ये भारतवर्ष है जहां प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां शंकाएं रखी जाती हैं, जहां लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जहां लोग बातें करते हैं, जहां मत होते हैं, ये भारतवर्ष है। और लोग स्वतंत्र होते हैं क्योंकि ये स्वराज्य है, क्योंकि यही राम राज्य है, तो ये इतनी सारी स्वतंत्रताओं से घिरा हुआ है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भेदभाव है, ग्रंथियां हैं, फोल्ड्स हैं, तरह तरह के हम लोगों ने ब्लाइंक फोल्ड्स बनाए हुए हैं हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ छीनना चाहते हैं, अपना अपनी तरफ रखना चाहते हैं, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। लेकिन कैपिटलिज्म उतना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोनी कैपिटलिज्म, एक और वर्ड आता है इसके लिए, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसलिए आपके जो सवाल आते हैं परीक्षा में, इसलिए फार्मर्स डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, तो जब रूरल और अर्बन की बात होगी तो रूरल के फेवर में ज्यादा सवाल होंगे। तो आज मैंने थोड़ा सा एक और एंगल देने की कोशिश की है, रोज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ, पहले दिन जो हम बात कर रहे थे वो दूसरे तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे कि हम केवल एक सिविल सेवक हैं, और हम हमारे साथ चूंकि सेवक शब्द रखा है तो वो सेवक शब्द का मतलब एक तरह से नौकर होता है, लेकिन नौकर शब्द हम बोलते नहीं है, लेकिन हम जनता के एक तरह से नौकर हैं, क्योंकि हमने आवेदन दिया है, सिविल सेवा के लिए आवेदन दिया है, लोगों की सेवा करने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, आप किसी मैंने आपको एक शब्द बताया था अभ्यर्थी, यानी कि आप ना विद्यार्थी हैं ना आप परीक्षार्थी हैं। एक तो आप अध्ययन करते हैं तब आप विद्यार्थी कहलाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं तो आप विद्यार्थी कहलाते हैं, स्टूडेंट कहलाते हैं, और एग्जाम का कैंडिडेट कब बोलते हैं हम लोग, एग्जाम कैंडिडेट, एग्जामिनी हम लोग बोलते हैं जब हम एग्जाम देते हैं, परीक्षार्थी। तो ना आप परीक्षा दे रहे हैं, बल्कि आपकी तैयारी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि आप अभ्यर्थी हैं, सेवा के लिए अभ्यर्थी हैं। आपने देखा होगा कि जब कांस्टेबल का एग्जाम लोग देते हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देते हैं, तो वो अभ्यर्थी के तौर पे तैयारी करते हैं, परीक्षार्थी के तौर पे तैयारी कम करते हैं। एक परीक्षा होती है लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक परीक्षा होती है उनकी, क्योंकि उनको पता है कि उनको गन कंधे पे रख करके, बंदूक कंधे पे रख करके दौड़ना पड़ेगा। तो वो रोज, जो लोग सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, वो लोग रोज सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके ग्राउंड पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं,
पसीना बहाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो काम भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ परीक्षा के दौरान भी उनकी इस बात की परीक्षा होने वाली है। तो क्या आपको लगता है यूपीएससी शारीरिक परीक्षा नहीं लेता? लेता है ना। एक सुबह में 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का एग्जाम दोपहर में होता है, तो ये शारीरिक परीक्षा ही तो होगी। दूसरा वो एप्टीट्यूड टेस्ट, और वो जो आपका जीएस है फर्स्ट, उसमें प्रश्नों का पैटर्न ऐसा होता है कि आपके अंदर का अधिकारी, आपके अंदर का जो कर्मचारी, आपके अंदर का जो सेवक है, वो सेवक वाला भाव खींच के बाहर लाना चाहता है। एग्जाम के क्वेश्चन ऐसा काम करते हैं। तो आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं, उन सवालों का जो स्वरूप होता है, इसलिए ध्यान रखिए, केवल और केवल अगर आपने कल्याणकारी भाव को अगर दिमाग में रखा, समाजवादी भाव को दिमाग में रखा, गरीब के प्रति संवेदना वाला भाव रखा, कमजोरों के प्रति दया भाव रखा, और अगर आप ऑप्शन को सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, मल्टीपल चॉइस में भी दिख जाएंगे, साफ साफ दिख जाएंगे। जैसे आपके घर में यदि आलोचना होती है कि लोगों को अनाज फ्री में नहीं दिया जाना चाहिए, ये जो लोगों को अनाज फ्री में बांटा जाता है ये गलत है, हम ये फ्री में अनाज देने का विरोध करते हैं क्योंकि इससे निकम्मे बनते हैं, और ये आपके दिमाग में ठूस दिया गया, तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब आप परीक्षा में जाएंगे और मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो हो सकता है कि आपका मन करे कि आप उस ऑप्शन से दूर हो जाएं, और ऐसे में आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। लेकिन कई लोग होशियार हैं, घर परिवार की बातचीत में वही रखते हैं, और यहां आकर के वो अपना, उनको पता है कि हमारी अम्मा बोलती है, हमारे पिताजी बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, लेकिन ये वाला टिक लगाना नहीं है, ये है गलत है, परीक्षा के हिसाब से ये नहीं है। परीक्षा के हिसाब से वो अपना एक अलग टिक लगाता है और वो ठीक हो जाता है उसका। तो अगर आप ऐसी चालबाजी करके और पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच जाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वस्तुतः वैसे ही हो जाए, लिटरली आपको वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी परीक्षा डिमांड करती है, तो बहुत आसान हो जाएगी ये परीक्षा। ये परीक्षा बहुत कठिन इसलिए हो जाती है क्योंकि हम डुप्लीकेट हैं। मैंने वो फोल्ड्स की और ग्रंथियों की जो बात की है, हमको निर्ग्रंथ हो जाना पड़ेगा, हमको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, हमको स्वराज की मांग करने वाला, राम राज्य की मांग करने वाला होना पड़ेगा, तो फिर सारे बंधन टूट जाएंगे। तो आप ऐसे समय में यदि आप सोचोगे कि प्रश्नों का स्वरूप बदल जाएगा रिज्यूम के हिसाब से, क्योंकि अभी रिज्यूम जैसे कोई बहुत सारी चीजें पसंद नहीं करता, तो क्या मतलब प्रश्नों का स्वरूप भी वैसा हो जाना चाहिए? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं, कानून की किताब लेके चल रहे हैं, हम लोक कल्याणकारी कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, हम समाजवादी कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं, हम धर्मनिरपेक्षता के कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं। तो उसमें राम राज्य और स्वराज शब्द आने के बाद भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि राम मंदिर बन गया तो अब बाकी लोगों के लिए बिल्कुल कोई स्थान ही नहीं रहा इस देश में, उनको अब सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, दुनिया में कहीं और चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो फिर भी भारतवासी हैं, वो फिर भी भारतीय हैं। चाहे जो आप इस देश में कर लें, इस देश में चीजें इतनी आसानी से नहीं बदलती। ये बहुत बहुत पुराना देश है, संस्कृति वाला देश है, दर्शन वाला देश है, अध्यात्म वाला देश है। इसने समाहित किया है, ग्रहण किया है, सबको ग्रहण किया। कई लोग बोलते हैं जब रोहिंग्या की बात हुई थी तो ये क्यों धर्मशाला है, यहाँ सबको ले लें, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे पैसे पे ये लोग पलेंगे, फिर जिहादी काम करेंगे, फिर ये करेंगे, तो तरह तरह की बातें होती है। तो आप बात को थोड़ा सा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में जो आपका स्तर होना चाहिए सोचने का और समझने का, वो ये होना चाहिए। आम आदमी के जैसा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल एक्सक्लूसिव पॉलिटिशियंस जैसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जो है वो हो जाते हैं उस तरह से। लेकिन शासक को एक अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। एक कार है और उस कार में जब आप ड्राइव कर रहे हैं तब आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है, और जब आप साइड में बैठे हैं या पीछे बैठे हैं तो आपकी जागरूकता का स्तर और आपके रहने का स्तर, यानी एक व्यक्ति कार चला रहा था, एक जगह कार रुकी और कार रुकने के साथ में उन्होंने ड्राइविंग सीट चेंज की, उन्होंने कहा कि अब मैं ड्राइव करूंगा, अब आप
पीछे बैठी है या साइड में बैठी। देखिए वो जब ड्राइवर था तब वो अलग तरह के एक अनुशासन में था, अलग तरह से बात कर रहा था और बहुत अलर्ट था। उसकी निगाहें जो थी वो रोड पे थी और उसको पता है कि कब गियर चेंज करना है, कब स्टीयरिंग पकड़ना है। बाइक में भी इसी तरह से है, जब आप चला रहे होते हैं तब आप अलग मोड में होते हैं और जब आप पीछे बैठ जाते हैं या पीछे वाली सीट पे चले जाते हैं तब तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार आपको नींद आने लगती है, कई बार आप सो जाते हैं, पांव किसी भी तरह से फैला लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। दरअसल अभी जो आदमी उन्माद में बात कर रहा है, जो कम्युनल बात कर रहा है, सांप्रदायिक तरीके से बात कर रहा है, दंगा भड़काने वाले लैंग्वेज में बात कर रहा है, आप उसको उस शहर का मेयर बना दीजिए या उस क्षेत्र का विधायक बना दीजिए, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, उसको अब वो उस मोड में नहीं रह सकता। तो जब हम शासन में आते हैं, प्रशासन में आते हैं, तब हम उस तरह की लापरवाही नहीं कर सकते क्योंकि हम ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। इसलिए आप जब कलेक्टर बनेंगे और एसपी बनेंगे तब आपके विचार वैसे नहीं हो सकते हैं जैसे आम आदमी के विचार है। आप कहोगे आम आदमी तो इस तरह से सोचता है, हमारे पिताजी पूरी जिंदगी हो गई इसी तरह से सोचते हैं, हमारी दादी ऐसी बातें करती हैं कि हमको तो भेदभाव करना है, ये इस जाति का है हम इससे बात नहीं करेंगे, ये यूं है, ये इस तरह का है, इसको यहाँ नहीं आने देना है, इसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा देंगे, इसने ये कर दिया, ये बिल्कुल किसी भी हद तक जा सकता है आम व्यक्ति क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पर नहीं है। लेकिन ड्राइविंग सीट पर जब आप पहुंच जाते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर जब प्रशांत भूषण की कमेंट की बात आती है, ट्वीट की बात आती है, तब प्रशांत भूषण जो है बोल रहे ना कि मैं अपनी आत्मा से गिर जाऊंगा, आपको अपनी अवमानना लग रही है लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2014 से सुप्रीम कोर्ट बचा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खत्म ही हो गया है, कोई मतलब नहीं है उसका सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि आप कब्जे में आ गए हो। जबकि आपने आर्टिकल 50 देखा है, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल पावर अलग रहेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग रहेगा और एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग रहेंगे। पार्लियामेंट्री जो है सिस्टम हमारा डेमोक्रेसी, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक तरह से एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी कंट्रोल करती है, कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करती है, और ये कंट्रोल प्रॉपर कर रही है नहीं कर रही है या जो कार्यपालिका है वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया यहीं से सारा सारा क्वेश्चन आता है। इसलिए आप देखेंगे इस बार कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, पार्लियामेंट ठीक से नहीं बन पा रही है या एग्जीक्यूटिव अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये जो सारा शक्तियों का पृथक्करण अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो इसमें कमी कहां से आ रही है, तो इसका सीधा प्रभाव जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म पे होगा, इसलिए चुनाव सुधार के प्रश्न ज्यादा होंगे। इसलिए आपको चाहे नोटा का हो, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हो, ईवीएम का सवाल हो या एंटी डिफेक्शन लॉ का हो, तो डिफेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, खरीद फरोख्त हो रही है, खुलेआम खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग होती है, आपको पता है, विधायक खरीदे जाते हैं, लोगों को पता भी चल जाता है, रिकॉर्डिंग्स भी बाहर आ गई हैं तो ये पता भी चल जाता है कि ऐसा खुलेआम हो रहा है। अच्छा, कई लोग उसको जायज ठहराते हैं कि नहीं अब ठीक है, अब तो वो खरीद लिए जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है और हम उसी के साथ हैं, जो खरीद रहा है उसी के साथ हैं, खुलेआम होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है ना, तो अब आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा, फिर इकोनॉमी देख लीजिएगा, फिर चाहे साइंस टेक देख लीजिए, पॉलिटी देख, कुछ भी आप किसी भी सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, सबका प्रश्नों का झुकाव जो है आपको लोक कल्याण की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जनता के कल्याण की तरफ जाता हुआ। आज की बात को और ध्यान से सुन लीजिएगा, आज इस श्रृंखला का अंतिम, नहीं तो कल भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रकार से झुकाव दूं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, पुराने जो हमारे लेक्चर सुनने वाले लोग हैं, उनको तो पता है कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं और उनको बताया भी है और वो लोग ठीक भी करने लगे हैं, इसीलिए उनके 50-60 तक ठीक भी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। अब वो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा आगे निकल जाएंगे और बिल्कुल श्योर हो जाएगा उनका मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस तो पूरा का पूरा पेपर ही आपको ऐसा ही लिखना है, सारे प्रश्नों का जो श्रेय जो जाएगा वो इसी तरह से जाएगा। आप देखिएगा, सत्ता को चुनौती देता हुआ रहता है,
और सत्ता को चुनौती इसलिए देते हैं क्योंकि सत्ता को वो व्यवस्थाएं करनी है जो वो नहीं कर पा रही है, वो व्यवस्थाएं सत्ता को करनी है, इसलिए सत्ता को चुनौती देता हुआ वो लगता है। तो आपको ये जो सारी चीजें बताई जा रही हैं इनको अमल में लाने वाली बात है। तो इनको अमल में कैसे लाएंगे? प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और किसी भी प्रकार का डाउट हो, जहां पे भी डाउट हो, आप राम राज्य, स्वराज्य और लोक कल्याण, लोक कल्याणकारी राज्य, तीनों एक ही अर्थ है, चाहे राम राज्य, क्योंकि गांधी तो इस देश के राष्ट्रपिता हैं और मुसलमान भी उन पर विश्वास करते थे और हिंदू भी करते थे, लेकिन वो तो राम राज्य करते कहते रहे, अंत में भी राम बोल करके मरे, उनकी समाधि पे भी राम लिखा हुआ है, तो इससे वो कम्युनल तो नहीं हो जाते, उनको हम हिंदू नेता तो नहीं बोलते, या हम हिंदू धर्म का नेता तो नहीं बोलते, हम उनको भारत का नेता बोलते हैं, भारत का पिता बोलते हैं, बल्कि हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, तो हम राष्ट्रपिता कहते हैं उनको, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। तो ये राष्ट्रपिता की इच्छा थी कि राम राज्य आए, लेकिन राम राज्य कैसा हो? जो हिंद स्वराज जैसा हो, वो बाल गंगाधर तिलक के सपनों जैसा हो, जिसको बोलते हैं कि ये मेरा जन्म सिद्ध है, मेरे जन्म ने, मेरी बर्थ जब हुई तब उसने ये सिद्ध कर दिया कि ये मेरा राज है, ये मेरा शासन होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा मैं, हालांकि इमैनुअल कांट, जेम्स मिल और बहुत सारे लोगों को और को हवाला दिया जा सकता है, मार्क्स को भी, सेंट ऑगस्टाइन और बहुत सारी चीजों को, प्लेटो, एरिस्टोटल, बहुत सारे लोगों का हवाला दिया जा सकता है, लेकिन यहां मैं एक व्यक्ति को, रूसो को कोट करना चाहूंगा। रूसो बोलते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र बंधनों में, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वही जन्म सिद्ध अधिकार है स्वराज, लेकिन चारों तरफ बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो क्या कहने का मतलब है इसका? कहने का मतलब है युक्ति युक्त निर्बंधन, रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी अधिकार तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन इन अधिकारों का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, इन अधिकारों के साथ कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस जुड़े हुए हैं, और ये रेस्ट्रिक्शंस जो हैं आपको अधिकारों को उन्मुक्त आनंद नहीं लेने देते हैं, उनकी स्वच्छंदता को नहीं होने देते, आपको स्वच्छंद नहीं होने देते, स्वतंत्र तो होने देते हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं होने देते। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता शब्दों में थोड़ा सा ये अंतर हो सकता है, भावार्थ में अंतर हो जाता है, कि स्वच्छंदता का मतलब हो जाता है मनमानी एक तरह से, तो मनमानी आप नहीं कर सकते, आप जैसे सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के समय में यदि आपको डिस्टेंसिंग रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, तो ऐसे समय में आप सम्मेलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये निर्बंधन लागू हो गया, क्योंकि अभी महामारी का समय चल रहा है, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये निर्बंधन और वो ग्रंथियां, तो ग्रंथियां देखिए, नॉट जो होती है ना, ग्रंथि, उसको भी कुछ लोग बंधन बोलते हैं, वो अलग चीज है। इन निर्बंधन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये ग्रंथियां नहीं है, ग्रंथियां हमारे अंदर होती हैं, जिसकी वजह से हम मेलाफाइट इंटेंशन रखते हैं, और ये जो मेलाफाइट बोनाफाइट नहीं होता हमारा, हमारा इंटेंशन कैसा होता है? बोनाफाइड होगा तो क्या होगा? वेलफेयरिस्टिक अप्रोच आ जाएगी। इसलिए कोर्ट है ना, कई बार ये देखता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना की बात है, उसमें भी ये देखा जाता है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये जो अवमानना है, इसने जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, इसमें मेलाफाइड इंटेंशन है या बोनाफाइड इंटेंशन है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, और लंबे समय से पीआईएल लगाते रहे हैं, और काफी विद्वान व्यक्ति हैं, तो उनको पता है कि ये आदमी को, उन्होंने चेतावनी भी दी है, सब तरह का किया, अभी पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने अवमानना को जो माना है, वो अवमानना उन्होंने मान ली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया है उन्होंने, और फैसला सुरक्षित रखा था, जो भी ये सब चीजें आएंगी। लेकिन क्या इसमें मेलाफाइड इंटेंशन है? क्या उनको खुद का कुछ फायदा? लेकिन वो बोल रहा है कि अगर मैं माफी मांगता हूं
तो ये मेरी आत्मा का अपमान होगा, क्योंकि मेरी आत्मा गवाह नहीं देती कि मैं माफी मांगू। यहां सुप्रीम कोर्ट की आत्मा और प्रशांत भूषण की आत्मा में टकराव हो गया, जबकि आत्मा एक है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, ठीक है ना। अगर अगर आप इसको यम नचिकेता संवाद तक ले जाएं तो पुरुष सबसे बड़ा है ऊपर, तो पुरुष और प्रकृति वो वहां अलग चला जाता है सांख्य दर्शन में, हम उसमें नहीं जाएंगे, और यम नचिकेता संवाद में भी नहीं जा रहे, कठोपनिषद में भी नहीं जा रहे। तो हम कठोपनिषद की बात भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण की जो टक्कर है, इसमें अवमानना में मेलाफाइड इंटेंशन कहाँ है, यानी बुरी नीयत से की गई आलोचना, बुरी नीयत से की गई आलोचना कहाँ। तो इसमें एक तरह से हाँ ये सुप्रीम कोर्ट की ईगो आड़े आ रही है, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो आप जो सोच रहे हैं वो ठीक है, पर अभी थोड़ा सा मैं अभी कमेंट नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं इस पर अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं ले जाना चाहता हूँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। आज आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा यूट्यूब पे, आप इसको देखना, आप पेपर हो जाए 4 अक्टूबर को, उसके बाद फिर आप इस रिकॉर्डिंग को देखना, आपको प्रश्नों में वो झलकियां मिलेंगी जो मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल इस रूप में कोई इस तरह से बात नहीं कर रहा है, इस स्वरूप में ये बात नहीं की जा रही कि जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए सोचने का वो कैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि ज्योग्राफी में से भी मिट्टी के, इरिगेशन के, सिंचाई के, नदियों के प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि ये जीवन धारा है। हम नदियों को लाइफ लाइन कहते हैं, और लाइफ लाइन वाली जो नदी होगी जिसपे विवाद होगा, पर्यावरण के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न क्यों आते हैं बार बार, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर, टाइगर रिजर्व के ऊपर, नेशनल पार्क के ऊपर, एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर, इन्हीं के ऊपर सवाल क्यों होते हैं, क्योंकि ये खतरे में है। पर्यावरण सच्चाई है, पर्यावरण सत्य है। हाँ, तो अभी हम आज एक इन्वायरमेंट वाला भी एक करंट अफेयर्स में से एक स्टोरी लेने वाले हैं आज की क्लास में, तो वो भी हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम जिस समाज में जी रहे हैं, जिस पर्यावरण में जी रहे हैं, जिस अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, इसमें कौन व्यक्ति पिछड़ रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और किस व्यक्ति ने जो जन्म के साथ जो अधिकार सिद्ध कर लिया था, जन्म के साथ क्या अधिकार सिद्ध किया था, स्वतंत्रता का, वो हनन हो रहा है, समानता का। तो ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं सारे के सारे, यूएन चार्टर के आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। दरअसल किसी भी देश में फंडामेंटल राइट्स वैसे भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूएस से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट से लिए हैं, और यूनाइटेड स्टेट में आपने देखा है कि क्या स्थिति आई, कमाला हैरिस कहाँ पहुंच गई हैं, कितना उनका जो है रुतबा बढ़ गया, अब वाइस प्रेसिडेंट की डेमोक्रेट कैंडिडेट हैं। तो ये है कला, ये है उनके वहां अधिकारों का स्तर, कि उनको किस स्तर पे जाकर के अधिकार हासिल है। अब आप कहेंगे नहीं ये हमारा देश है और इसको हम अपनी स्टाइल से चलाएंगे, और इस पे आप ये बात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं है। दरअसल इसको बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान का स्वरूप दिया, और उसका कारण मैंने आपको बताया भी था कि संविधान, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स की बात की है, वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ के आए थे। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, संविधान सभा के लोग थे, या जितने भी एडवोकेट थे, उस समय में 50% से ज्यादा तो एडवोकेट ही थे संविधान सभा में भी, और स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देने वाले सभी एडवोकेट थे। लेकिन उन एडवोकेट्स में भी 50% जो है वो विदेश से पढ़ के, अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो बाबा साहब के अलावा जितने लोग थे वो सारे के सारे इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, ब्रिटेन का उनको अनुभव था, और ब्रिटेन एक कंजर्वेटिव टाइप का कंट्री था जहां पर बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, और वहां के जो लोग थे एरिस्टोक्रेट्स थे, ऑर्थोडॉक्स थे, और फ्यूडल लॉर्ड्स टाइप की मानसिकता थी। तो फ्यूडलिज्म था, सामंती व्यवस्था वहां घर कर रही, तभी तो कॉलोनियलिज्म आया, नहीं तो किसी दूसरे देश पे अधिकार करने को कौन वाजिब ठहरा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि
दुनिया भर में इतनी कॉलोनी ब्रिटिश की थी और वहां के लोगों को पता नहीं था, और वहां के लोग इंसाफ पसंद थे और वहां के लोग स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, नहीं स्वतंत्रता में कतई विश्वास नहीं करते थे। मैग्ना कार्टा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा में वो चीजें नहीं है, वो बात नहीं है जो फंडामेंटल राइट्स में है। तो यूएस जो था, यूनाइटेड स्टेट का जो फंडामेंटल राइट्स है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हमने फंडामेंटल राइट्स यूएस से बोरो किए हैं, यूएसए से लिए हैं, और उसका कारण है क्योंकि बाबा साहब ने वहां के वातावरण में जो चीजें अनुभव की, वो जब अपने अध्ययन के लिए अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ की जो स्वतंत्रता है और इसका जो आनंद है, ये ब्रिटेन में नहीं है। ये आपको गांधी ब्रिटेन में रह लिए और गांधी साउथ अफ्रीका चले गए, लेकिन गांधी ने उस समय में यूएस नहीं देखा। अगर गांधी यूएस गए होते और यूएस में यदि एक महीना भी रह लेते तो शायद वो अलग तरह की वकालत यहाँ आकर के करते, या फिर यूं कहें कि वो संविधान सभा के लिए या हमारे लिए एक अलग तरह का आदर्श वस्तु रखते। वैसे भी गांधी आत्मानुशासन की बात करते थे कि खुद को कष्ट पहुंचा लेना, इसलिए वो उपवास कर लेते थे खुद को कष्ट पहुंचाने के लिए। हालांकि अंबेडकर और गांधी में बहुत सारी मतभिन्नता थी, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। तो अभी चूंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं, इसके बाद पॉलिटी शुरू हो जाएगा और अभी परीक्षा का भी सीजन आ गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की खोज में निकले थे। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से, इन्वायरमेंट से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न जो है कैसे मिल करके समुद्र में आते हैं। ये भारत का समुद्र है, ये हिंद महासागर है, इसमें हम तैरते हैं। स्वतंत्रता का समुद्र है, स्वराज का समुद्र है, राम राज्य का समुद्र है, ये राम के सपनों का भारत है, गांधी के सपनों का भारत है, और इसी में ये सारी चीजें होनी है। तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्रपिता की समाधि है और राम मंदिर है, उसमें बहुत ज्यादा समानता है। एक राष्ट्रपिता का समाधि है और एक राष्ट्र देवता का मंदिर है, तो मुझे राम राष्ट्र देवता कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो एक आदर्श है और वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं। इसीलिए हम जब कभी भी बोलते हैं किसी कि यहाँ तो राम राज्य आ गया, तुम अगर कुछ बन जाओगे तो क्या राम राज्य ले आओगे, हम लोग ऐसे बातचीत में कई बार राम राज्य को कोट करते हैं, है ना। तो उसका मतलब यही है कि क्या इतना आदर्शवादी चीज हो जाएगी, क्या ऐसी चीजें हो जाएंगी जहाँ सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो सब लोग सुखी हों, सबका साथ और सबका विकास जो नारा है ना, सब लोग सुखी हों, फिर तो इंक्लूसिव ग्रोथ करना पड़ेगी ना। अभी जो चल रहा है उससे थोड़ा अलग जाना पड़ेगा, अभी जो है वो तो एक्सक्लूसिव की तरफ जा रहा है। आपकी पॉलिसी तो एक्सक्लूसिव की तरफ जा रही है, हम प्राइवेटाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करते जा रहे हैं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम, हमारे जो नवरत्न कंपनियां हैं उनके प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर राम राज्य कैसे आएगा, अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे तो फिर स्वराज कैसे आएगा, और फिर लोक कल्याण कैसे होगा, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी, फिर सबका साथ सबका विकास कैसे होगा। फिर तो होगा सबका साथ और एक आदमी का विकास, जिसको ये मिल गया, जिसने खरीद लिया उसका विकास। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा जो कर्म है, वो कर्म जो है वो राम जैसे नहीं है, और हमारा शासन भी राम जैसा नहीं है, हमारी पॉलिसी भी राम जैसी नहीं है, और ना वो गांधी जैसी है, ना वो संविधान के हिसाब से, सब गड़बड़ा रहा है। देखिए क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है, दो तरह के, दरअसल कहें कि डेमोक्रेसी की बात की जा सकती है। एक है विचारधारा, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, प्रोग्रेसिव विचारधारा, प्रगतिशील प्रजातांत्रिक चिंतन आइडियोलॉजी, प्रगतिशील प्रजातांत्रिक चिंतन, और एक होता है केवल प्रजातांत्रिक चिंतन। तो जो प्रगतिशील प्रजातांत्रिक चिंतन है वो प्रगतिशीलता के साथ में बात करता है, जैसे मैं कर रहा हूं आपसे बात कर रहा हूं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा हूं, सामूहिक विकास की बात कर रहा हूं, ट्रिकल डाउन की बात नहीं कर रहा हूं। पूंजीपति ट्रिकल डाउन की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ट्रिकल डाउन की बात होती है कि पहले अमीरों का विकास हो जाने तो बाद में वो अपने आप ही डिवोल्यूशन होके अपने आप हो जाएगा, अपने आप वो नीचे तक आ जाएगा। नहीं, हम बोल रहे हैं, नहीं, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण कर देंगे, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, और वित्तीय अधिकार भी दे देंगे, फाइनेंशियल पावर भी सरपंचों को दे देंगे, गांव में दे देंगे। हालांकि वहां पे भी करप्शन होगा, लेकिन वो लोकल लेवल पे होगा,
छोटे लेवल पे होगा, और वो गांव का पैसा गांव में रहेगा कम से कम। कोई वो मॉरिशस में जाके मलेशिया में जाकर के फैक्ट्री डालने वाला नहीं है कोई नेता। गांव का सरपंच भ्रष्टाचार भी कर लेगा तो बड़ा सा सराय बना लेगा, बड़ा सा शादी करने का रिजॉर्ट बना लेगा, मैरिज गार्डन बना लेगा तो गांव के लोगों को काम आएगा। खुद का प्राइवेट स्कूल डाल लेगा तो गांव के बच्चे पढ़ेंगे। खुद का बहुत बड़ा मकान बना लेगा तो लोग मजदूरी करने जाएंगे, मकान का उद्घाटन करेगा तो सब लोगों को खाना खिला देगा गांव के लोगों को, तो गांव के लोगों को फायदा होगा। कुल मिलाकर के जब करप्शन की बात होती तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ कहा जाता था कि करप्शन का भी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए, पैसा वापस नीचे पहुंच जाए, और नीचे जब होगा तो नीचे अपने हिसाब से बंटवारा होगा। क्योंकि करप्शन आप रोक नहीं सकते तो क्या करें, उसका डिसेंट्रलाइजेशन कर दें। तो यही किया गया था, उद्देश्य तो यही था। अब वो स्पष्ट बोल नहीं सकते थे, बाकी राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा 25-10 पैसा पहुंचता है गांव में, बाकी सब बीच में हड़प लेते हैं। और फिर वो हैं, वो बहुत बड़े जायंट बन जाते हैं, वो बहुत खतरनाक व्यक्ति बन जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। तो ये जो स्वरूप है ये उस तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं देता। तो जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी है वो अलग तरीके से सोचती है और बाकी लोग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है, प्रोग्रेसिव वालों के साथ में, उन पॉलिटिशियंस के साथ में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो टिके नहीं रह सकते और सहन नहीं कर पाते, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं है। ये टॉलरेंस बहुत भयंकर तरीके से घुसी पड़ी है ऐसे नेताओं के अंदर जो सहन करते रहते हैं। अगर आप कहोगे कि आपने डिमोनेटाइजेशन किया और उसमें आप बोल रहे थे कि ब्लैक मनी आएगा और ये होगा वो होगा, तो आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और पुराने नोट भी आपने जमा करा लिए, और नए नोट आने के बाद न तो आतंकवाद रुका, न नक्सलवाद रुका, न ब्लैक मनी कम हुआ, न करप्शन कम हुआ, और जो कैश में ट्रांजेक्शन होते वो भी उतने कम नहीं हुए। तो कोरोना की वजह से भी कम है क्योंकि लोग नोट के हाथ लगाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन। और जहां तक डिजिटल वाली बात थी तो वो तो पहले से हो रहा था, तो फिर वो यही बात कर रहे थे कि हम तो दरअसल डिजिटल इंडिया बनाना चाहते थे, ब्लैक मनी की कोई बात नहीं थी, वो बदल गए और लोगों ने सवाल पूछना भी बंद कर दिया। तो ये सहनशीलता, ये सहनशीलता, फिर GST, फिर अभी जो आपका लॉकडाउन वाला जो पूरा कोरोना का जो पूरा मैनेजमेंट है ये जो फेल हुआ, आप क्रिटिसाइज कीजिए जरा गवर्नमेंट को। अभी NEP पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ बोलिए, अभी NEET JEE के एग्जाम से रिलेटेड कुछ बोलिए, कहीं पे भी कुछ आप बोलिए, कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आता, परवाह भी नहीं होती। तो ये जो स्वरूप है ये बिल्कुल अलग स्वरूप है। ये प्रगतिशील डेमोक्रेसी वाले जो लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी वाले जो थॉट रखते हैं, जिनका चिंतन है, वो लोग इस तरह के नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अभी का इस समय का ये अंतर है। और ये अंतर दरअसल उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं और अगर ये थॉट रखा और आलोचना हुई तो वो सहन ही नहीं कर सकते, वो घबरा जाते हैं, या तो दोबारा थॉट नहीं रखेंगे या फिर अपने थॉट से पीछे अलग हट जाएंगे। ये जो स्वरूप है ये जब तक हाँ बिल्कुल, मेजोरिटी जो है एग्जाम के सपोर्ट, देखो एग्जाम के सपोर्ट में तो अगर आप मेजोरिटी के सपोर्ट की बात करते हैं तो मेजोरिटी तो उस समय निकलना चाहती थी, जनता कर्फ्यू में भाग ही नहीं लेना चाहती थी। आप वोट डलवा लेते, चाहे SMS करवा लेते पूरे इंडिया में, एक एक SMS तो हर आदमी कर सकता है। यस और नो में आपने जनता से पूछा क्या? येस और नो में आपने जनता से पूछा क्या? आपने तो लॉकडाउन किया ना, क्यों? क्योंकि वो हित में था जनता के, क्योंकि जनता तो बोल देते नहीं, हम तो अपनी शॉप बंद नहीं करना चाहते, नहीं तो पिटाई क्यों खा रहे थे लोग, है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो बोलना कि केवल जनता के बोलने से होता, तो हर चीज पे तो आप वोटिंग नहीं कराते, खैर वो एक अलग मत है, आप लोग भी अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन हम जा रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, तो आप मुझे लगता है कुछ भाव जो है मेरे आपको समझ में आए होंगे। और ये चूंकि परीक्षा का समय आ रहा है नज़दीक, तो ऐसी
बहुत सारे ऐसे आपको हिंट हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ये बातें अगर आपके दिमाग में गूंजती रही तो बहुत सारे सवाल आपके वैसे ही ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, आप देखना। हाँ, लेकिन अगर आपने डेविएशन किया तो आपके का नुकसान है, क्योंकि अभी तक बच्चों ने बहुत फायदा उठाया है। मेंस में लिखने के लिए भी बहुत सारे आइडिया हैं इसके अंदर। चलिए, तो हम लोग यहाँ ये बातचीत रोकेंगे और अपनी क्लास शुरू करेंगे।